भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव ऐसा कभी कहीं नहीं देखा होगा जब स्वयं भगवान झूलेलाल अपने जन्मोत्सव का केक काट रहे हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं मथुरा में, मथुरा के सिंधी जनरल पंचायत द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, जब भगवान झूलेलाल के स्वरूप में एक बालक है जो केक काटकर झूलेलाल जन्मोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। और ये दृश्य मथुरा से देखा जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम पर ये आपको कैसा लग रहा है आप बताइए, कि आपके समक्ष ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा, तो बताइए भगवान झूलेलाल जी केक काट रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रथम बार हम मथुरा में पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पहला प्रोग्राम बन रहा है जो श्री झूलेलाल जी हमारे केक काट रहे हैं, उनका केक काट कर जन्म उत्सव हम मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और हमारे बीच में बालक जो है भगवान झूलेलाल जी के गेटअप में, तो इनसे भी पूछता हूँ आपको कैसा लग रहा है? हम तो स्वयं झूलेलाल बने हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष जी भी है, तो आज के इस कार्यक्रम पे आप क्या कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हमारे झूलेलाल इष्ट देव स्वयं केक काट के और रक्तदान की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हमारे साथी हैं, जितेंद्र लालवानी जी, बताइए कैसा रहा ये आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा आयोजन है आज झूलेलाल जयंती पे, बहुत अच्छा लग रहा समाज के लिए, बड़ा अच्छा कार्य है। और इस कार्यक्रम की संरचना में हमारे साथ हैं ये कोकल भाटिया जी, आप बताइए आज के कार्यक्रम पे? आज में बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम शायद यहाँ बच्चे को जो निखिल नाम है इनका, इनको झूलेलाल जी का स्वरूप दिया गया है और बहुत सुंदर प्रोग्राम लग रहा है। बहुत अच्छा। और काफी सभी उत्साहित दिख रहे हैं। तो इस तरीके से देखा कि आज ये झूलेलाल जन्मोत्सव का आगाज भी हुआ और भगवान झूलेलाल जी खुद केक काट रहे हैं, और इसी के साथ ये सिंधी युवा और युवतियां और महिलाएं रक्तदान भी कर रहे हैं। झूलेलाल भगवान, ये रक्तदान का दृश्य आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आज स्वामी लीलाशाह जी महाराज के शिक्षाओं को स्मरण करते हुए भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव से पूर्व ये जो आप दृश्य देख रहे हैं रक्तदान का, यहाँ पर पूज्य सिंधी जनरल पंचायत द्वारा ये आयोजित किया गया है। और इसमें जो सिंधी युवक युवतियाँ और महिलाओं का उत्साह विशेष रूप से देखा जा रहा है। और इस तरीके से सभी इसमें जो रक्तदान करके अपना ये योगदान दे रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब बहुत अच्छा उत्साह देखा जा रहा है। आपने देखा भगवान झूलेलाल जी ने ना केवल अपने जन्मोत्सव पर केक काटा है, बल्कि भगवान झूलेलाल जी के मार्गदर्शन में आज रक्तदान भी हो रहा है। और भगवान झूलेलाल जी के स्वरूप में जो सजे ये बालक हैं, ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इस तरीके से आज भगवान झूलेलाल के प्रतीक के रूप में हमारे साथ जो बालक हैं वो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रहे हैं। आज पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के तत्वावधान में जो युवक और युवतियों और महिलाओं ने जो रक्तदान किया है, तो उन रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और प्रशस्ति पत्र देकर और उपहार स्वरूप उनको गिफ्ट देकर जो है यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और इस तरीके से सबका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के पदाधिकारी और पूरे रक्तदान शिविर के जो संयोजक मंडल है वो सब यहाँ पर उपस्थित होकर सभी का उत्साह बढ़ा रहे हैं। भगवान झूलेलाल जन्मोत्सव का पेरी स्वामी लीलाशाह जी महाराज आदर्शन जो स्मरण कंदे, यह एक मथुरा में सिंधी युगल रक्तदान कह हुआ है, पति पत्नी एक संग रक्तदान कह हुआ है। ताजे जो रक्तदान तवा के करे करे किए महसूस थे हुआ है तवा पे दावे पेरी पहली बार कह हुआ है केड़ी भी शायद दान करना है तो सबको ही लगन है वहाँ के मन में आनंद लगन है सुधी लगन तमा भी विधायो की रक्तदान करे की अनुभव थे हो सुठो अनुभव लगे बो आई साहे गुरु भी जय हुआ रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहनना चाहिए। इसी के तहत हमारे पदाधिकारियों ने सहयोग दिया, हमें सेवा का मौका मिला, धन्यवाद। तवा दिठो की किस तरीके सा सभी मिली जुली करे इतने रक्तदान कह हुआ है।